ओम शांति अव्यक्तवाणी अठारह मई नाइनटीन सिक्सटी नाइन रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी पहला पॉइंट है आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है किसने किसको बुलाया है जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं उनों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड और 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 होना है अगर यह दो बातें सभी में आ जाए तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं बाबा कहते हैं आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है बच्चों के लिए यह बड़ी समझ की बात है कि आपने बुलाया या बाप दादा ने आपको बुलाया बहुत बार बच्चों को लगता है हमने बुलाया कभी कभी लगता है बाप ने बुलाया अभी इसमें समझ है बाप ने आपको ढूंढा या आपने बाप को ढूंढा समझ है बच्चों के लिए बाप ने आपको ढूंढा या आपने बाप को ढूंढा किसने किसको ढूंढा किसने किसको खोज निकाला तो बच्चों के लिए यह उत्तर अगर मिल जाए कि हमें किसने ढूंढा है तो बच्चे ज्ञान में योग में महारथी बन जाएंगे पर बच्चों को ऐसे लगता है कि हमने बाप को ढूंढा है तो उस समय ज्ञान योग ऐसे कोई बड़ी बात नहीं लगती बड़े कोई ताज्जुब की बात नहीं लगती ज्ञान योग मिलना लगता है कि हमने बहुत भक्ति की है और ईश्वर को भक्ति से ढूंढा है बाबा को प्राप्त किया है भक्ति के बाद बाबा कहते हैं यह जो आपने भक्ति की है यह भक्ति करने की शक्ति भी किसने दी है और जो युक्ति है जिसे बुद्धि कहा जाता है वो भी किसने दी है समझ की बात है बच्चों के लिए बाबा यह बात क्यों समझा रहे हैं, ताकि बच्चे समर्पण में चले बच्चों को यह पता चले कि आपकी जो कोई शक्ति है या भक्ति है वो सब बाप से है आपका पुरुषार्थ भी बाप से है आपकी सेवा भी बाप से है इसलिए बाप ने आपको ढूंढा है बाप ने खोज निकाला है इस गलत फहमी में नहीं रहना कि हम बड़े आध्यात्मिक थे बहुत मालाएं करते थे पूजा करते थे पाठ करते थे हमारे जीवन में कोई गुरु था तो हमें हमारे भक्ति का फल मिल गया ईश्वर मिला बाबा कहते इस गलत फेमी में नहीं रहना ईश्वर कभी किसी को मिलता नहीं है उनकी शक्ति से ईश्वर मिलता है उनके समर्पण से उनकी सच्ची दिल से उनकी निश्चय बुद्धि से समझ है बच्चों के लिए भक्ति में कहा जाता है भक्ति उसके बाद भक्ति में अगर आप पक्के हो गए तो उसका फल मिलता है वैराग्य भक्ति में ज्ञान मिलता है और ज्ञान के बाद वैराग्य आता है पर बाबा कहते हैं हम सीधा वैराग्य देखेंगे और वैराग्य में ईश्वर मिलता है भक्ति का फल है ज्ञान ज्ञान का फल है ईश्वर और ईश्वर मिलने के बाद जीवन संपन्न हो जाती है पर बच्चों के लिए समझ की बात है कि भक्ति भी कराई किसने शक्ति दी किसने इसलिए अभी बाबा यह पूछते हैं कि आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है समझने की कोशिश कीजिए बच्चे कौन सी ट्रेन से आएंगे कौन सी फ्लाइट से बस से आएंगे बाबा को पता है उस अनुसार बच्चों की बाबा व्यवस्था करता है बाबा बुलाता है बच्चों को कि आओ भरपूर होकर अपने सेवा स्थान पर जाओ समझ है बच्चों के लिए आप कभी पहुंच नहीं सकते बाबा के पास किसी को अगर लगे कि आदि में हम बहुत मेहनत करके मधुबन पहुंचते थे बाबा कहते हैं चेक करो अपने आप को आपके अंदर उतनी मेहनत करने की ताकत है क्या तो उस समय दी किसने मेहनत करने की ताकत मधुबन पहुंचने के लिए बच्चे कहते हैं कि बाबा या किसी को कहते हैं कि हम एक महीने के लिए दो महीने के लिए मधुबन गए और ये सेवा करके आए हमने कितनी सारी सेवाएं की चेक करो अपने आप को उतनी सारी सेवा करने की ताकत आपके अंदर है क्या तो किसने किया ये सब कुछ अगर बाबा ने किया तो आप अपना नाम क्यों लेते हो बहुत बार बच्चे कहते हैं आज हमने आठ बार मुरली की बाबा कहते एक बार मुश्किल करते हूं आज आठ बार की है तो आठ बार करने की बुद्धि और शक्ति दी किसने है चेक करो कहते कि आज हमने आठ बार ड्रिल की बाबा कहते एक बार मुश्किल से होती है कराए किसने की किसने आपके द्वारा समझ की बात है बच्चों के लिए इसलिए आपके हर सेकेंड में बाबा करता है सब कुछ बाबा सब कुछ करता है आपकी उन्नति के लिए बस आप अपने आप को समर्पण करो समर्पण की अवस्था में रहो तो बाबा सदा हाजिर है बच्चों के लिए और जो बच्चे समर्पण नहीं करते बाबा मिलके भी छूट जाता है समझ की बात है इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमने आप सभी को बुलाया है किसने किसको बुलाया है जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं उनको यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होना है बाबा कहते हैं जिन बच्चों को पता है कि हम निमित्त हैं, वो सदा एवर रेडी रहेंगे वो कभी ऊपर नीचे नहीं होंगे आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे बाप ने बोला और बच्चों ने किया ये किसको पता है जो निमित्त है कौन करेंगे जो निमित्त है अपने को चेक करना यह बात आती है श्रीमत की आप अगर पूरा श्रीमत पर चलते हैं तो जरूर आप अपने आप को निमित्त समझते हैं हर रूप से फिर जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है रिस्पॉन्सिबल बाप है बहुत जरूरी है इस बात को समझना क्या धर्म संस्थापकों ने संत आत्माओं ने राजगद्दी पर बैठकर प्रवचन दिया क्या दुख ही तो थे ना उनके जीवन में पूरी आयु तक शरीर छोड़ने तक कहा सुख था उनके जीवन में कौन से धर्मात्मा संत आत्मा के जीवन में सुख था बताइए किसने राजगद्दी पर बैठकर भोजन खाया या ज्ञान दिया दुनिया को सभी ने दुख से समय को निकाला लेकिन याद किसकी थी ईश्वर की थी, थी। समर्पण किसे था ईश्वर को था इसीलिए तो दुनिया का कल्याण कर सके दुनिया को रास्ता दिखा सके जितना भी पार्ट हो जितना हो सके रास्ता दिखा सके कल्याण कर सके अभी तक दुनिया चल रही है उनके राह पर तो ये ताकत कहाँ से आए, बाबा से आए इसलिए अपने को निमित्त समझा बस उन्होंने और जैसे ईश्वर कराए जो उसकी मर्जी जहां से वो चलाए कांटों से चलाए या फूलों से चलाए कभी उन्होंने ईश्वर को कंप्लेन नहीं की समझ की बात है कि आप हमें कांटों से क्यों चलाते हो बस वो चलते रहे सारे धर्म संस्थापक सारी संत आत्माए एक बार देखिए उनकी जीवन कहानी चलो बाबा कहते दूर क्यों जाते हैं नजदीक आते हैं ब्रह्मा बाबा की जीवन कैसे थी क्या शांत जैसे आप सोचते हो शांत जीवन जिसमें कोई आपको काम धंधा नहीं है बस बैठे हैं और आराम से खा पी रहे क्या ऐसी जीवन थी कितना देखना पड़ता था यज्ञ का बच्चों का बाबा की डायरेक्शन का सेवाओं का क्या क्या नहीं देखना पड़ता था कितनी सारी बातें थे फिर भी बेफिक्र रहे ना निमित्त बन के रहे ना बाबा ने किया ना कार्य जितना करना था समझ की बात है बच्चों के लिए फिर भी अभी के बच्चों के लिए बाबा बहुत सुख दे रहा है जो ब्रह्मा बाबा के समय में नहीं थे आज सारी टेक्नोलॉजी आपके पास है समझ है बच्चों के लिए बच्चे फिर भी दुखी रहते हैं उदास रहते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं बाबा कहते हैं ऐसे मत करो ज्ञान को समझो ज्ञान को नहीं समझेंगे तो ऐसे ही चलेंगे आप निमित्त हो बाबा कहते हैं अगर आपको लगता है कि जीवन परेशानी वाली है हम बहुत दुखी हैं बाबा के साथ रहकर आज लेटर लिखो अमृत वेले बाबा बाजू कर देगा आपको बोलो आज से मुझे निमित्त नहीं बनना है लेटर लिखो देखो क्या होता है बाबा कहेगा आप जा सकते हैं आपकी राह पर मैं किसी और से कार्य करा लूंगा आप आपकी राह पर चलो कुछ तो निर्णय लो समझ की बात है बच्चों के लिए बाबा कहते मेरा रास्ता ही ऐसे है ऐसे ही चलूंगा और ड्रामा में ऐसे ही लिखा हुआ है देखो तुम्हें चलना हो मेरे साथ तो चलो वरना मर्जी तुम्हारी जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो इसलिए जो बच्चे बाप के कर्तव्य में, कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं उनको यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड होना है एवर रेडी रहना है बाबा जैसे चलाए जहां से चलाए जहाँ रखे जो खिलाए जो पिलाए हमें एवर रेडी रहना है बहुत से बच्चों के मन में ये गलत फहमी है कि उन्हें लगता है कि अंत समय तक हमें कुछ नहीं होगा बाबा बैठा है संभालेगा दाल चावल खिलाएगा, सब्जी रोटी दाल रोटी खिलाएगा बाबा कहते, इससे अच्छा ये क्यों नहीं कहते कि अंत समय में बाबा हमें आप आपकी याद में शरीर हमारा शरीर आपकी याद में छुड़वा देना हमें आपकी याद में मुक्त कर देना ये दाल चावल और कंफर्ट के नीचे कंफर्ट के पीछे सुख सुविधाओं के पीछे क्यों पड़े हो कि बाबा हमें ये सब कुछ देगा क्यों इसके पीछे पड़े हो भले दस दिन भी भूखे रहो अंत समय में लेकिन कहना नहीं बाबा को कि बाबा हमें खाना दो कहना कि बाबा हमारी याद बढ़ाओ हमारी स्थिति ऊंची करो हमारा शरीर आपकी याद में छुड़वाओ हमें आपकी याद में मुक्त कराऊं कहो ना ये बच्चे नहीं कहेंगे बच्चे आशा करते कि सब हमें कंफर्ट मिले बाबा कहते ऐसे ड्रामा है नहीं इसलिए बाबा कहते एवर रेडी रहो जो चीज सामने आ रही है सुख आ रहा है तो उसके लिए भी एवर रेडी रहो और दुख आ रहा है तो भी एवर रेडी रहो जो आ रहा है वो ड्रामा अनुसार आ रहा है आपके बाप की मर्जी से आ रहा है इस बात का ध्यान रखना इस बात को बुद्धि में रखना किसी दिन दुख आ रहा है तो वो भी बाप की मर्जी है सुख आ रहा है तो वो भी बाप की मर्जी है अब इस सुख दुख के चक्कर में बाप को भूल जाते हो और फिर परेशान हो जाते हो इस दुनिया में सभी बच्चे सभी लोग हैं ना सुख दुख के चक्कर में ईश्वर को गाली देते हैं इस सुख दुख से बाहर निकले ना तो देखो वो कैसा है उसे अनुभव करो इसे सुख दुख के बीच में रह के उसे अनुभव आप नहीं कर सकते मुश्किल है आप उसे जज करेंगे अनुभव नहीं कर सकते कि वो ऐसा है वो वैसा है वो वैसा है ये सिर्फ आपका एक जजमेंट होगा वो भी सुख दुख के आधार पर आपने कभी उसे जाना ही नहीं है आपने कभी उसे देखा ही नहीं है बस जैसे सुख दुख वैसे आपकी दृष्टि बदल जाती है उसके लिए वैसे आपका दृष्टिकोण बदल जाता है उसके लिए उसी प्रकार ड्रामा के लिए बदल जाता है ड्रामा में अच्छी घटनाएं होंगी तो कहेंगे वा ड्रामा वाह और विपरीत होगा तो कहेंगे यह कोई ड्रामा है ये आप सबकी मनुष्य बुद्धि है हम नहीं कहेंगे कि आत्मिक बुद्धि है ये मनुष्य बुद्धि आप सबकी वो कैसे रजोगुनी होती है कभी इधर दौड़ेगी कभी उधर दौड़ेगी कभी सात्विक होगी कभी तामसिक होगी वो बीच में ठहरेगी नहीं कभी सात्विक कभी तामसिक अच्छा हुआ तो वाह वाह और उससे विपरीत हुआ तो गाली देंगे ऐसे बच्चे हैं इसलिए बहुत से बच्चों ने बाप को अनुभव किया ही नहीं है अनुभव कहां से करेंगे उसे जाना ही नहीं है कि वो कैसा है बाबा प्यार वाली बातें करे ना वाह वाह बाबा और बाबा थोड़ी विपरीत बातें करे ना बाबा अच्छा नहीं है ऐसे बच्चे हैं सारे बच्चे कहा न कहा कंप्लेन है बाबा के लिए सभी के मन में किसी न किसी रूप से कंप्लेन है बाबा कहते एवर रेडी रहो इस सुख दुख के चक्कर में तुम मुझे नहीं समझ सकते सुख दुख की बातों में तुम मुझे नहीं जान सकते तुम दुख में मुझे याद करते हो क्यों ताकि तुम्हारा दुख समाप्त हो जाए दुख समाप्त होने के बाद एक बार कहते हो थैंक यू बाबा वाह बाबा वाह बा, वार ड्रामावा और दूसरे दिन दूसरे दिन भूल जाते हो और वहां से शुरू होती भूलने की यात्रा अभी सुखी हो गए ना अभी क्या जरूरत है बाबा की इसलिए ये इस सुख दुख से तुम मुझे नहीं जान सकते बाबा कहते मुझे जानने के लिए तुम्हें सुख दुख से परे होना पड़ेगा ये नाम मान शान इन सारी बातों से तुम्हें परे होना पड़ेगा तभी पता चलेगा मैं कौन हूं मैं कैसा हूं तब तक तुम मुझे नहीं समझ सकते इस बात को ध्यान में रखना जो ड्रामा में सुख आने के बाद भी एक समान रहते हैं और दुख आने के बाद भी एक समान रहते हैं वही बाप को जान सकते हैं और समझ सकते हैं बाकियों के बस की बात नहीं है इसलिए अपने को चेक करो बाबा कहते हैं एवर रेडी एवर रेडी कौन है जिन्होंने बाप को जाना है बाप को समझा है जिन्होंने बाप को जाना और समझा नहीं है ना वो एवर रेडी नहीं रह सकते वो ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलेंगे कभी जोश आया ना तो दस सेंटर खोल देंगे और जोश कम हुआ, हुआ ना तो मुरली भी नहीं सुनेंगे ये ऐसे होते बच्चे हैं बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे मेरे काम के नहीं है ऐसे बच्चे विश्व को परिवर्तन नहीं कर सकते मुझे मेरे जैसे बच्चे चाहिए जैसे मैं हूं। बाप समान बच्चे चाहिए विश्व परिवर्तन करने के लिए मना कुछ भी हो जाए अवस्था एक ही है अपनी ड्यूटी को ना भूले अपने कर्तव्य को ना भूले बाप है अपने कर्तव्य को अभी भी अपना कर्तव्य कर रहा है तो बाबा कहते हैं कर्तव्य को याद रखने वाले बच्चे मुझे चाहिए कुछ भी हो जाए जीवन में कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए कितना भी बड़ा स्टॉम आ जाए सुनामी आ जाए लेकिन अपने कर्तव्य को ना भूले अपने ड्यूटीज को ना भूले ऐसे बच्चे मुझे चाहिए अपने में ही खोए हैं और कर्तव्य एक बाजू में रहे हैं ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए मुझे एवर रेडी बच्चे चाहिए एवर रेडी बनना एक सेकंड का काम है बस अपने को भूल जाओ स्वयं के अस्तित्व में आके आत्मिक स्थिति में आके अपने अस्तित्व को भूल जाओ अपना अस्तित्व बाबा का अस्तित्व मान लो एवर रेडी बन जाएंगे क्योंकि आप हो ही नहीं बाप ही है बाप है समझ है बच्चों के लिए और वही बच्चे जो एवर रेडी है वही ऑलराउंडर हो सकते हैं बन सकते हैं बाकी जो एवर रेडी नहीं है ना वो ऑलराउंडर नहीं बन सकते बहुत से बच्चे कहते कि बाबा एक फोन करे हम पहुंच जाएंगे मधुबन बाबा कहते इसे एवर रेडी नहीं कहता मैं एवर रेडी मना जो है जहां है जैसे है उसे स्वीकार करके चलते रहना यह है एवर रेडी बाबा का फोन आने के बाद कोई भी पहुंच जाएगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बाबा का फोन आया है बाबा ने बुलाया है सब छोड़ छाड़ के आप पहुंच जाएंगे पर बाबा वही कहता है जहां हो जैसे हो बाप की याद में रह के दिखाओ श्रीमत पर चल के दिखाओ फिर मानेंगे एवर रेडी है सभी बच्चे इस आश में हैं कि बाबा जब विनाश होगा हमें कॉल करेगा बाबा जब विनाश होगा तो बाबा हमें कॉल करेगा इंटूशन देगा मैसेज देगा संदेशी के द्वारा और हम मधुबन पहुंच जाएंगे ऐसे बच्चे एवर रेडी कहते कि हम बाबा एवर रेडी है बैग पैक करके एवर रेडी है किस लिए आना है मधुबन ऐसे क्यों नहीं सोचते कि बाबा जब विनाश हो तू जहां रखे जैसे रखे बस तेरी याद में शरीर छूटे फिर जो भी हो जाए सुनामी में डूब जाए या भूकंप में मर जाए बस तेरी याद में शरीर छूटे ऐसे क्यों नहीं कहते मधुबन ही क्यों पहुंचना है सोचने वाली बात है एवर रेडी मना कभी बाप से कोई संकल्प ना रखे कभी कोई बाप से इच्छा ना रखे इनको कहेंगे एवर रेडी बाबा तू ऐसे रख वैसे रख ये कर वो कर कोई इच्छा नहीं है इनको कहेंगे एवर रेडी जिनके मन में कोई भी इच्छा है ना वो एवर रेडी नहीं है कि बाबा ऐसे रखो वैसे रखो ये करो वो करो ये एवर रेडी बच्चे नहीं है ब्रह्मा बाबा ने कोई इच्छा रखी कितने बच्चे थे यज्ञ में कुछ हजार ही थे फिर भी बाबा कहता था तेतीस करोड़ बनने हैं अभी भी तेतीस करोड़ बने नहीं है बनने बाकी हैं तो उस समय में जब बाबा ने शरीर छोड़ा कोई इच्छा रखी क्या कि अभी यज्ञ का क्या होगा कैसे होगा तैतीस करोड़ कैसे बनेंगे अभी तो हजार भी नहीं बने हैं समझ की बात है मर्जी बाबा की जैसे जो बाबा करें मर्जी बाबा की मम्मा ने सोचा समझ की बात है बच्चों के लिए बच्चे बहुत ज्यादा सोचते हैं जो बच्चे बाबा मिलने के बाद कोई आशा रखते हैं कोई संकल्प रखते हैं बाबा के प्रति दुनिया के प्रति ड्रामा के प्रति वो बच्चे सच बोले तो बाप के लायक नहीं है बाप के लायक बच्चे नहीं है क्योंकि बाप मिलने के बाद इच्छाएं खत्म होनी चाहिए वहां और इच्छाएं बढ़ी ड्रामा समझने के बाद इच्छाएं खत्म होनी चाहिए वहां और इच्छाएं बढ़ी अजीब बच्चे हैं जब सब ज्ञान उन्हें मिला और बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या तो और इच्छाएं बढ़ा रहे अजीब बच्चे तो अपने आप को चेक करो कि आप एवर रेडी हो क्या एवर रेडी माना कोई संकल्प नहीं कोई इच्छा नहीं बाप के प्रति दुनिया के प्रति ड्रामा के प्रति जैसे चलाए जहां से चलाए मर्जी बाबा की मर्जी ड्रामा की और उसमें खुश होके चलना है ऐसे भी नहीं कि उदास होके चलना है खुश होके चलना है दुख में भी थैंक यू बाबा वाह बाबा वाह कह के, के चलना है वाह ड्रामा वाह कह के, के चलना है समझ है कोई इच्छा नहीं कोई संकल्प नहीं तू जहा रखे जैसे रखे मर्जी तेरी चेक करो अपने आप को ऐसे एवर रेडी हो क्या चेक करो अगर होंगे तो ऑलराउंडर बनेंगे और ऑलराउंडर बच्चे ही बाप के लायक हैं क्योंकि वो बाप समान है जिनके मन में अंशता भी कोई इच्छा बची है किसी भी प्रकार की इच्छा अपने पुरुषार्थ की भी एक इच्छा होती है अपने से कोई विश्व कल्याण की सेवा वो वो भी इच्छा होती है कोई भी इच्छा बची है आपके अंदर वो बच्चे ऑलराउंडर नहीं बन पाएंगे इसलिए इच्छाओं को खत्म करो बाप को समर्पण करो जैसे जो बाप को करना है करने दो आप कोई इच्छा नहीं रखो बच्चों की अभी तक लौकिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई है अलौकिक इच्छाएं कब खत्म करेंगे अभी भी लौकिक इच्छाओं की बड़ी लंबी लिस्ट है अलौकिक ही दीजिए अलौकिक तो बहुत इच्छाए पद पोजीशन से लेकर हर बात के लिए इच्छाएं हैं बाबा कहते मेरे बच्चे नहीं है मेरे बच्चे बहुत अलग हैं मेरे बच्चे कभी कोई इच्छा नहीं रखेंगे मेरे सामने बहुत अच्छे बच्चे हैं उनके मन में कोई इच्छा नहीं होती कि बाबा ये करे वो करे ऐसे करे वैसे करे कोई इच्छा नहीं होती बाबा तुझे जो करना है जैसे करना है तू कर ऐसे बच्चे हैं तेरी मर्जी तुझे जो ठीक लगे वो तू कर ऐसे बच्चे समझ की बात है चेक करो कि आप ईश्वर के बच्चे हो क्या अगर होंगे तो कोई इच्छा नहीं होगी तो बाबा कहते हैं हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड होना है अगर यह दो बातें सभी में आ जाए तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है बाबा कहते हैं एवर रेडी बनो ऑलराउंड हो तो सर्विस सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकलेगा सर्विस विश्व तक पहुंच जाएगी गली गली में सेंटर होगा हर घर गीता पाठशाला बन जाएगा अभी बनना बाकी है क्यों नहीं बना है क्योंकि बच्चे एवर रेडियर ऑलराउंडर नहीं बने समझ है बच्चों के लिए समझ की बात है बाबा कहते हैं लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं जैसे बच्चों का पुरुषार्थ वैसे बातें हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार और कुछ नहीं तो अपने को चेक करना कि आपका पुरुषार्थ कैसा है और यह बातें यह दो बातें एवर रेडी और राउंड यह बातें आपके अंदर कितनी है चेक करना आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए दुनिया आपको फॉलो कर रही है तो जो कर्म आप करेंगे वैसे दुनिया करेगी आपको देख सभी करेंगे तो आपका कर्म कैसे होना चाहिए अपने को चेक करो आपका कर्म कैसे होना चाहिए कर्मों पर अटेंशन दो कर्मों पर ध्यान दो श्रीमत पर ध्यान देंगे तो कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे श्रीमत मिस हो गई तो कर्म भी मिस हो जाएंगे इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि आपको देखकर बाकी के बच्चे कर्म करेंगे हर समय अपने को ऐसा समझो कि दुनिया आपको देख रही है जैसे जैसे ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं बाबा कहते हैं हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं दुनिया आपको देख रही है यह हर समय समझो फिर आप गलत कर्म नहीं करेंगे क्या आप लोगों के सामने गुस्सा करेंगे क्या आप लोगों के सामने उदास हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे सोचो अपने को नहीं होंगे ना पर आप अपने कमरे में चले जाते हो अपने घर में चले जाते हो अपनी जगह पर चले जाते हो एकांत में कहीं बैठते हो तो ऐसे लगता यहा कोई देखने को के लिए है नहीं इसलिए वहा दुखी हो जाते हो उदास हो जाते हो अगर आपको ध्यान में है ना कि हर समय आपको सभी देख रहे हैं तो आप उस अवस्था में नहीं जाएंगे आप बाप की याद में रहेंगे अगर आपको ध्यान में है ना हर समय आपको हर कोई देख रहा है तो आप बाप की याद में रहेंगे आगे चल के देखिए ड्रामा कैसे बनता है कैसे बनता है देखिए हर बच्चे को दिखाया जाएगा हर बच्चे पर नजर होगी कि योग में है या नहीं है बाबा की याद में है या नहीं है स्थिति कौन सी है आगे है ड्रामा एक समय पर आएगा कैसे आएगा ड्रामा जाने पर हर बच्चे की स्थिति दिखाएगा ड्रामा और सिर्फ बाप को नहीं दिखाएगा सभी को दिखाएगा मधुबन में आने वाले हर बच्चे की स्थिति स्क्रीन पर सभी बच्चे देखेंगे कि कौन सा बच्चा किस स्थिति में है फिर पता चलेगा आपकी स्थिति क्या है तो इस बात को ध्यान में रखना कि ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने हम पार बजा रहे हैं सभी के सामने पार बजा रहे हैं भले आप आपके घर में हो आपके कमरे में हो जहां भी हो एकांत में हो लेकिन इस बात को ध्यान में रखना सभी के सामने पाठ बजा रहे हो इसलिए बाबा कहता है सभी के सामने बात करो जो दुख है वो शेयर करो अपनी उदासी शेयर करो अंदर नहीं करो एकांत में नहीं करो बाप से सभी के सामने करो फिर देखो अब ट्रांसलेट को भी बोल नहीं पाएंगे जब सभी के सामने बोलना है तो क्योंकि सवाल आएगा कि इज्जत चली जाएगी ऐसे दुखी हो जाएंगे तो सभी के सामने इसी से आपका अवगुण निकल जाएगा लेकिन जब तक आप अपने कमरे में बैठ के ट्रांसलेट से बात करेंगे बाबा से बात करेंगे दुखी होकर तब तक आपके वो संस्कार नहीं निकलेंगे सबके सामने दुखी हो जाओ देखो संस्कार निकल जाएंगे कोशिश करके देखना एक होता है अपने आप से रिहर्सल एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है बाबा कहते एक होता है अपने आप से रिहर्सल अपने कमरे में अपने घर में एकांत में और एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना तो बाबा कहते हैं स्टेज पर जब एक्ट करते हैं तो अपने ऊपर कितना ध्यान रखते हैं सभी के सामने अपने चेहरे का रंग बदलने नहीं देंगे बच्चे आंखें बदलने नहीं देंगे सभी के सामने पर जब एकांत में बैठे हैं तो सब चेंज करेंगे सब चेंज करेंगे फिर क्या क्या रूप निकलेगा बाहर इसलिए इन बातों को सभी के सामने शेयर करो चर्चा करो करनी है तो बाबा कहते कर ही नहीं पाओगे आप और जिसने की उसका निकल गया हिम्मत लगती है उस चीज के लिए इसलिए बाबा कहते हैं स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है कितना ध्यान रखता है स्टेज पर एक्ट करने वाला कोई भी हो कितना अटेंशन होता है उसका कि कोई गलती ना हो जाए उसी प्रकार आप सबके सामने अपने ऊपर ध्यान रखेंगे सबके सामने जब कोई कर्म होता है उसे हम बदलते हैं पर अकेले में जो कर्म होते हैं उसे हम बदल नहीं पाते हैं। समझ है कोशिश कीजिए एक एक एक्ट पर हम हर समय अटेंशन हमारा रहता है बाबा कहते एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है एक एक एक्ट पर हमारा अटेंशन रहता है जब हम स्टेज पर पार्ट प्ले कर रहे हैं सबके सामने कोई एक्ट कर रहे हैं समझ है चेक करो अपने आप को कहीं आपके दो रूप तो नहीं है एक बाहर वाला सबके सामने वाला और एक अंदर वाला अपने घर में रहने वाला कमरे में रहने वाला एकांत में बैठने वाला अगर दो रूप है ना आपके तो आपका उत्थान मुश्किल है आपका विकास आपकी उन्नति मुश्किल है अगर आपका एक ही रूप है अंदर बाहर तो आपकी उन्नति जरूर होगी इसलिए दो रूपों में नहीं रहना दूसरा रूप आपको फंसाएगा इस बात को ध्यान में रखना दूसरा रूप आपको फंसाएगा पहले रूप में आप भले बहुत अच्छे से रहते हैं लेकिन दूसरे रूप में आप कैसे रहते हैं आप जानते हो एक्चुअली वही आपका सच्चा रूप है जो दूसरा रूप होता है क्योंकि उस रूप को आप जानते हो और वही रूप आपको फंसाने वाला है क्योंकि इस समय का वो सच्चा रूप है आपका बाहर का झूठा रूप है बाहर सभी को आप हाय हेलो करेंगे गुड मॉर्निंग करेंगे ओम शांति करेंगे और अंदर आप जानते हो आप कैसे हो अंदर में क्या विचार चलते ये आप जानते हो ये रूप आपको फसाएगा इस बात को ध्यान में रखना इसलिए कोशिश करना एक रूप में रहना दो दो रूपों में नहीं रहना वरना आप फंस जाओगे बाबा कहेंगे अगर आपके दो रूप है ना तो आप पजेस्ट हो आपको किसी ने पकड़ा है आपके अंदर कोई शक्ति बैठी है जिसने आपको पकड़ा है और आप उसी के प्रभाव में चल रहे हो इसलिए प्रभाव में नहीं चलना इसी को बाबा कहते अंदर बाहर साफ रहना रावण अंदर बाहर साफ था इसलिए उसको मुक्ति मिली वो कहता था मैं हूं रावण तो हूं रावण मुक्ति मिली अंदर बाहर अलग नहीं था वो एक ही था इसलिए उसे कहते हैं कि राम के हाथों से मुक्ति मिल गई रावण को समझ की बात है बच्चों के लिए भी कोशिश करना अंदर बाहर एक रहने की तो बाबा कहते हैं एक एक एक्ट एक पर हर समय अटेंशन रहता है जब बाहर स्टेज पर एक्ट करते हैं हाथों पर पाओ पर आंखों पर सभी पर ध्यान रहता है जब बाहर एक्ट करते हैं हाथ उनसे गलती नहीं होने देंगे पाव उनसे गलती नहीं होने देंगे आंखों से गलती नहीं होने देंगे जब बाहर है स्टेज पर है पर अंदर जाने के बाद, वही हाथ पाव आंखें गलतियां करेंगी आप जो अकेले में हो ना आप अकेले में जहां कोई नहीं आपके साथ और उस समय आपका जो रूप है ना वो आपका रियल रूप है इस युग का वो आपका रियल रूप है समझने की कोशिश करो फिर आप आप जानो कौन सा रूप है आपका राम वाला है या रावण वाला है आप जानो जो अकेले में हो बाहर जो आप दिखाते हो ना वो आपका दिखावे वाला रूप है अपने चेहरे पर मास्क लगाया है झूठा मास्क जिससे आप सबको ठगते हो कि हम ऐसे हैं हम बहुत अच्छे हैं बहुत स्वीट है किसी दिन आपके कमरे में अगर या आप अकेले रहते हैं आपका समय स्पेंड करते हैं वहां अगर आप किसी व्यक्ति को रखा जाए ना सूक्ष्म शक्ति को और वो आपकी सारी क्रियाओं को कर्मों को देखे ना और वो अगर बताए ना आके सूक्ष्म शक्ति कि इन्होंने ऐसे 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 किया इनका नेचर ऐसे है तो पता चलेगा आपको भी कि आपका नेचर कैसे है तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपका नेचर कैसा है बाहर सभी का अपने हाथों पर पाव पर आंखों पर ध्यान रहता है स्टेज पर समझ की बात है बच्चों के लिए चेक करो अपने आप को अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती है बाबा कहते हैं स्टेज पर अगर कोई गलती हो जाए तो वो एक्ट को शोभा नहीं देती है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं सदा रहो जब अपने साथ हो उसी मेंटालिटी से रहो उसी प्रकार रहो उसी मानसिकता से रहो जैसे आप बाहर रहते हो उसी प्रकार अंदर खुश रहो अंदर ऐसे उदास नहीं रहो इतनी सुंदर जीवन मिली है अंदर बाहर साफ रहो चेक करो अपने आप को अपने को चेक करना बाबा कहते हैं तो ऐसे अपने को समझकर चलना है अंदर बाहर साफ रह के चलना है बाहर भी सबके सामने जैसे है ना वैसे अंदर रहो अपने साथ आपका एक्ट कहीं बदले नहीं और इस गलत फेहमी में नहीं रहना कि अंदर आपको कोई देख नहीं रहा है सूक्ष्म शक्ति आपको देख रही है ड्रामा आपको देख रहा है हर कण आपको देख रहा है जैसे आपके इस दुनिया में है ना कैमरा लगे हुए हैं ना हर जगह पर हर जगह पर कैमराज हैं, उसी प्रकार बाबा के सूक्ष्म हैं आपको अंत में बाबा ड्रामा दिखाएगा आपकी हरकतें दिखाएगा आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है इस गलत फहमी में नहीं रहना सब रिकॉर्ड हो रहा है सब रिकॉर्ड बाबा के पास है सारी सृष्टि प्रकृति आपको देख रही है सारी शक्ति आपको देख रही है समझ कर चलो सभी को आपकी अवस्था पता है स्थिति पता है आपका भाव पता है सभी जानते हैं बाबा के प्रति समर्पण पता है सच्ची दिल पता है निश्चय बुद्धि पता है सभी को इस बात को ध्यान में रखना तो बाबा कहते सब समझ कर चलना, समझ कर चलेंगे तो गलतियां नहीं होंगी सदा खुश रहेंगे क्योंकि अंदर बाहर साफ रहेंगे तो सबसे पहले अंदर बाहर साफ रहना और समझ कर चलना अच्छा ओम शांति सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते सदा खुश रहना मौज में रहना और बाप की याद में रहना अच्छा ओम शान